मेजर क्रॉप्स इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एज अ प्राइमरी एक्टिविटी. आपको पता है एग्रीकल्चर आपकी प्राइमरी एक्टिविटी में है. इससे पहले भी इस चैप्टर को हम पढ़ रहे थे, उसमें मैंने आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी एक्टिविटीज के बारे में बताया था. ठीक है, तो एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द कलेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. इसमें ये प्राइमरी एक्टिविटीज है, प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज. एक आर्थिक क्रिया भी है, प्राइमरी है पर आर्थिक है, क्योंकि इसमें सारा कुछ नेचर का ही कलेक्शन होता है, सॉयल, वाटर, ठीक है, जिससे ग्रो होते हैं. खाली एक बीज भी नेचर का ही बनाया हुआ है, तो सारा कुछ जो कलेक्शन लगता है वो नेचर की तरफ से लगता है. इसलिए एग्रीकल्चर प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर सेकेंडरी एंड टेरिटरी एक्टिविटीज. टेरिटरी एक्टिविटीज और सेकेंडरी एक्टिविटीज, यानी गेहूं, आटा बनने के लिए गेहूं एग्रीकल्चर से मिलता है और उसको ट्रांसपोर्टेशन तभी होगा जब कोई प्राइमरी एक्टिविटी हुई होगी और सेकेंडरी एक्टिविटी हुई होगी. ठीक है, द सेकेंडरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक इन्वॉल्व मैन्युफैक्चरिंग. जो सेकेंडरी सेक्टर होता है वो इकोनॉमी इन्वॉल्व करके मैन्युफैक्चरिंग करता है, यानी पैसे लगा के उस चीज को बनाने का काम करता है. इट क्रिएट द टूल्स दैट आर यूज इन एग्रीकल्चर. जो सेकेंडरी वो है आपका सेक्टर, वो टूल्स बनाने का काम भी करता है खेती के लिए, यानी कि जो थ्रेसर है या जो भी इक्विपमेंट्स लगते हैं. बाकी टेरिटरी एक्टिविटीज सच एज ट्रांसपोर्ट एंड बैंकिंग सपोर्ट एग्रीकल्चर. अब आपको टूल्स खरीदते हैं तो उसके लिए आपको लोन लेना होगा, तो वो आपको कहाँ से मिलेगा? टेरिटरी एक्टिविटीज, उसमें जिसमें बैंकिंग आती है. और आपने जो भी आपका टूल्स है आप उसको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो या खरीद रहे हो, तो उसको मंगाने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट की सहारा लेना होगा. क्रॉप्स मस्ट बी मूव्ड टू द मार्केट फॉर सेल एंड द फार्मर नीड लोन टू सेफ नीड लोन्स एंड अ सेफ प्लेस टू कीप देयर मनी. बात समझ में आ रही है क्या कही जा रही है? कि किसानों को जो भी फसल है वो मूव कर बेचने के लिए शहरों के लिए, मतलब मार्केट्स के लिए मूव करना होगा, किसानों को लोन चाहिए होगा और अपने पैसे को सेव करना होगा. तो ये सारी चीजों के लिए वो टेरिटरी एक्टिविटीज पर डिपेंड करते हैं. एग्रीकल्चर इन्वॉल्व्स अ रेंज ऑफ एक्टिविटीज. एग्रीकल्चर में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, फॉर्म कल्टिवेटिंग क्रॉप्स, फसल को बोने से लेकर फसल को काटने तक. लाइव स्टॉक होता है आपका, मैंने कल बताया था. फार्म एनिमल दैट आर केप्ट एंड रेज्ड फॉर अ प्रॉफिट. जिस लाइव स्टॉक कहते हैं, यानी कि जीता जाता आपका धन, पशुधन जिसको कहा जाता है, कि उनके लिए भी खेत बनाए जाते हैं. बहुत लोग जानवरों को बहुत बड़ा बाड़ा बनाकर खेत में रखते हैं और उन्हें भी संभालना, उनसे जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो भी फार्मिंग में आते हैं. जैसे पोल्ट्री फार्मिंग है आपकी, फिशरी है आपका, डेयरी फार्मिंग है, ये सारा प्राइमरी एक्टिविटीज में आता है. एग्रीकल्चर है ये, ठीक है. और आपके जो ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, इनको हॉर्टिकल्चर में लिया जाता है. फार्मिंग, एग्रीकल्चर को भी डिवाइड किया गया है. जो इसकी फ्रूट्स और वेजिटेबल की जो लोग खेती करते हैं उसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं, और जो क्रॉप्स की करते हैं उसको फार्मिंग कहते हैं, शायद ऐसा कुछ. हॉर्टिकल्चर तो मेरा कंफर्म है, ये लास्ट वाला क्रॉप ग्रेन जिसमें अनाज उगता है उसको अलग वर्ड से बुलाया जाता है. तो डिफरेंट खेती जो होती है, डिफरेंट एग्रीकल्चर जो होते हैं उनको डिवाइड किया हुआ है, पर सब में प्रोडक्शन हो रहा होता है. उसी तरह आपको देखिए नीचे कुछ और भी नाम बताए गए हैं. असाइड फ्रॉम द बेसिक कल्टिवेशन, प्रारंभिक जो खेती होती है यानी अनाज बोने का जो काम होता है, फूड ग्रेन्स का, उसके अलावा रेयरिंग ऑफ फार्म एनिमल्स और जानवरों को पालना, उनको संभालना जो होता है. देयर आर वेरियस स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर. इसमें एग्रीकल्चर की डिफरेंट ब्रांचेस हैं, जो मैं भी आपको क्लिप शेयर कर रही थी वो दी. सेरिकल्चर, इसमें सिल्क वॉर्म को पाला जाता है और सिल्क का प्रोडक्शन होता है. पिसीकल्चर, इसमें मछलियों को ब्रीडिंग टैंक्स, यानी जिसको हम फिशरीज कह रहे थे, छोटे बच्चों को भी मैंने फिशरीज बताया है, ये पिसीकल्चर होता है. विटीकल्चर होता है आपका, जिसमें ग्रेप्स और यूजली मेकिंग वाइन. विटीकल्चर है जिसमें सिर्फ अंगूर की खेती की जाती है शराब बनाने के लिए. हॉर्टिकल्चर, इसमें वेजिटेबल, फ्लावर्स और फ्रूट्स उगाए जाते हैं मार्केट्स में बेचने के लिए. ओके, ये. और कल्टीवेशन ऑफ फूड ग्रेन्स, सेरिकल्चर, फूड ग्रेन्स और एनिमल हस्बेंड्री, ये भी एक तरह की खेती है. ये विटीकल्चर है, ये हॉर्टिकल्चर है, ब्रीडिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ कल्टीवेशन आपको यहाँ पर बताया गया है.
ये चीज आप छोटी चीजें ध्यान रखिएगा कि विटीकल्चर क्या है, फिशी कल्चर क्या है, सेरी कल्चर क्या है। ओके, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कैन बी क्लासिफाइड एज फूड। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को फूड और फाइबर में डिफाइन किया गया है। तो फूड इंक्लूड्स ग्रेन, सीरियल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। और फूड के अंदर ग्रेन आते हैं, सीरियल्स यानी दालें आती हैं, और फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, ऑयल आते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड अदर एनिमल प्रोडक्ट्स भी आपके फूड में आते हैं, यानी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में लिए जाते हैं। यानी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को जो आपके नीचे आपने देखा ना, उनको डिवाइड किया है उन्होंने अलग अलग उसमें, तो उसी हिसाब से बताया जा रहा है। फाइबर में आपके कॉटन, वूल, सिल्क और फ्लैक्स आते हैं। अदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में परफ्यूम्स, रेजिन, डाइस, ड्रग्स और बायोफ्यूल्स भी आते हैं। थ्रू हिस्टोरियन, हिस्टोरियंस डू नॉट नो एग्जैक्टली व्हेन ह्यूमन बिगन फार्मिंग। इतिहासकार सही से नहीं जानते हैं कि कब से खेती शुरू हुई। एग्रीकल्चर ये नहीं जानते कि कब से खेती शुरू हुई। एग्रीकल्चर मेड पीपल सेटल इन अ वन प्लेस, और खेती ने ही लोगों को एक जगह सेटल होने के लिए मजबूर किया। द यूज ऑफ मशीन, गुड क्वालिटी सीड एंड एडवांस्ड स्टोरेज मेथड हैज फर्दर इंश्योर्ड फूड सिक्योरिटी। और मशीनों का यूज, गुड क्वालिटी यानी अच्छी किस्म के बीज, और इनको एक अच्छे तरीके से जो प्रिजर्व किया जाता है अनाज को, इन सब चीजों ने फूड सिक्योरिटी को मजबूत बनाया। यानी जो खाद्य सुरक्षा है उसका इजाद किया। यानी वहां से पता चला जब उनको सुरक्षित किया, उसके लिए दवाइयां बनाई जाने लगी, तरह तरह के आप देखते हो टंकियां आने लगी हैं, और बहुत डिफरेंट चीजें होती हैं उनको सुरक्षित करने के लिए वो बनाए गए, क्या कहते हैं, जो सरकारी अनाज घर होते हैं जहाँ पर लोग किसान जाकर अपना स्टोरेज, जिसको बोलते हैं सब्जियां, नहीं आलू लोग स्टोर हाउस में, कोल्ड हाउस होते हैं ना जहाँ आलू है, सब्जियां साल भर की सुरक्षित कर दी जाती है, फिर उनकी सप्लाई होती रहती है, वैसे अनाज को भी सुरक्षित किया जाता है, तो वहां से फूड सिक्योरिटी का इजाद हुआ। हाउएवर इसी तरह द रैपिड इंक्रीज इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन, जैसे जनसंख्या वृद्धि हो रही है, हैज पुट मोर प्रेशर देन इवन बिफोर एन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, तो उससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर भी बहुत ज्यादा असर, सबसे पहला जो असर आता है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर आता है। देयर आर मेनी प्रोसेसेस एंड एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। सम एक्टिविटीज मे बी डायरेक्टली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, सच आर प्लगिंग। अदर एक्टिविटीज मे नॉट बी डायरेक्टली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर बट हेल्प इन कल्टीवेशन, सच एज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रैक्टर। बात समझ आई आपको? प्लगिंग करने के लिए क्या, बोने के लिए क्या जरूरत होगी, ट्रैक्टरों को बनाने की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो उसी तरह आपसे कह रहा है कि आपको इसमें बताना है कि एग्रीकल्चर में कौन सी चीजें डायरेक्टली रिलेटेड है या कुछ इनडायरेक्ट वे में भी रिलेटेड होती हैं, पर उनका यूज खेती के लिए ही किया जाता है, तो आपको उनके अंदर से प्लगिंग, बोना, ठीक है, खेत को बोने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, ट्रैक्टर की जरूरत पड़ी, तो आपको वैसे कुछ चीजें बतानी है। 5 एक्टिविटीज डायरेक्टली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर बताने हैं, और 5 एक्टिविटीज आउटसाइड एग्रीकल्चर विच हेल्प इन कल्टीवेशन, कुछ ऐसी एक्टिविटीज बतानी है बाहरी जो है, जो एग्रीकल्चर यानी इनडायरेक्ट वे में जो एग्रीकल्चर में हेल्प करती है। पहला क्वेश्चन है, व्हाई आर सम एक्टिविटीज डायरेक्टली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, वेयर एज सम आर नॉट। कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जो डायरेक्टली हेल्प करती हैं बट कुछ नहीं करती हैं, एक्सप्लेन कीजिए उनको एग्जांपल से, बताएगा कोई? Which type of good and services are required for agriculture production? किस तरह का सामान और सेवा agriculture production के लिए जरूरी है? तो इस question में तो क्या होना चाहिए? Tractor. हाँ, tractor है।
फर्टिलाइजर। मशीन्स, गुड क्वालिटी सीड्स, एडवांस स्टोर मेथड फॉर हेज फॉर ये बात। फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, है ना, ये सारी चीजें। और पहले क्वेश्चन में व्हाई आर सम एक्टिविटीज डायरेक्टली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, क्योंकि अगर हम जो डायरेक्ट एक्टिविटीज है जैसे प्लगिंग में जो चीज सम एक्टिविटीज डायरेक्टली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, कुछ एक्टिविटीज जो डायरेक्टली रिलेटेड है बिकॉज दे आर क्या कह सकते हो मेन एक्टिविटीज है जिनके बिना खेती नहीं की जा सकती है, ठीक है, जबकि कुछ एक्टिविटीज हैं जो ना करने से भी खेती को नुकसान नहीं होता है। मान लीजिए जैसे कहा जा रहा है कि फर्टिलाइजर तो नेचुरल वाला जो हमारे बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं हम उनको भी तो डाल सकते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह, प्रोडक्शन तो हमारा उसमें भी होगा, है ना। तो वो चीजें उस तरह की एक्टिविटीज हो सकती हैं जिनको हम अगर ना भी करें तो हमारे लिए नुकसान नहीं होती हैं। अगला क्लास वर्क, यहाँ पे आपको छोटे बच्चों की तरह जंबल्ड वर्ड्स दिए गए हैं, आपको उनको सीधा करना है और उनकी एक्टिविटीज पढ़ना है। कमर्शियल सिल्क रेयरिंग, यहाँ पर आपको ये उल्टा करके दिया हुआ है, उसको सीधा करना है। सेरिकल्चर, ठीक है। प्रोवाइडिंग लोन फॉर इरिगेशन, बैंक, बैंक। रेजिंग ग्रास, विटिकल्चर, और रेजिंग एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री। तो उसको छोटे बच्चों के आपको उल्टा करके दिया हुआ है, अब आप इसको सीधा करेंगे, ठीक है। चलो अगला आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर क्रॉप्स। अब आपको यहाँ पर फसलों की कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है वो बताया जा रहा है। सॉइल एंड क्लाइमेट आर द की फैक्टर दैट डिटरमाइंस वेयर सर्टेन क्रॉप्स कैन बी ग्रोन अक्रॉस द वर्ल्ड। किसी भी जगह पर खेती करने के लिए मिट्टी और वहाँ की जलवायु सबसे मुख्य तत्व होते हैं जो पूरी दुनिया में इस बात पर खेती डिपेंड करती है। फूड क्रॉप्स आर दोज दैट आर ग्रोन टू बी कंज्यूम्ड एज अ फूड। फूड क्रॉप्स कौन सी होती है जिनको एज अ फूड कंज्यूम किया जाता है, जिनको एक खाने के तौर पर उपयोग किया जाता है, जबकि कैश क्रॉप जो होते हैं वो मार्केट वैल्यू के लिए उगाई जाती है, यानी कि वो पैसा कमाने के लिए उगाई जाती है, उनकी कीमत फूड क्रॉप से ज्यादा होती है। जैसे कि आपको राइस है, राइस, व्हीट, यानी जितना फूड जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स आपके आते हैं, ठीक है, ये सारा कुछ फूड क्रॉप्स में आता है। और आपके जितने जैसे टी है, फाइबर है जितने भी, ओके, कॉफी है आपकी, ये सारा कुछ आपका कैश क्रॉप में आता है, क्योंकि इनकी कीमत यूज वो एज अ फूड या एज अ बेवरेज होते हैं, बट उनकी उतनी ज्यादा मार्केट वैल्यू ज्यादा है इंसान के यूज करने से, ठीक है। राइस इज अ स्टेपल फूड फॉर मोर देन 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। 50% जनसंख्या संसार की जो है उसके लिए मुख्य भोजन चावल है, धान है। राइस इज ग्रोन इन अ ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन बिकॉज इट नीड हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, हैवी रेनफॉल। और जो आपके ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन है, यानी टेन इक्वेटर के पास और इक्वेटर से कुछ 30 डिग्री तक जाने पर जो एरिया आता है आपका, वहां पर ये उगाया जाता है, जहां पर इसको मतलब इसके लिए हैवी रेनफॉल चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए और हाई ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। इट ऑल्सो नीड फर्टाइल एलुवियल एंड क्लेई सॉइल दैट कैन होल्ड वाटर वेल। और इसके लिए जो मिट्टी चाहिए वो एलुवियल यानी जलोढ़ मिट्टी चाहिए। क्लेई सॉइल का मतलब होता है कीचड़ वाली जो मिट्टी होती है, दलदली जिसको कह सकते हो, जिसमें पानी ज्यादा सोख सके, जो एब्जॉर्ब कर। राइस ग्रोन बेस्ट इन इंडिया, चाइना। आपको वर्ल्ड लोकेशन अगर याद रखनी है तो कुछ कंट्रीज को आप अंडरलाइन कर लीजिए। राइस ग्रोन बेस्ट इन इंडिया, राइस ग्रोन में सबसे बेस्ट इंडिया है, चाइना, श्रीलंका, इजिप्ट और जापान है। चाइना वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस, चाइना वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर है राइस का। इन इंडिया राइस इज ग्रोन ड्यूरिंग द लेट समर और मानसून सीजन एंड इज कॉल्ड अ खरीफ क्रॉप। और जो भारत में चावल की खेती की जाती है समर में, मतलब लेट समर का मतलब है देर से जो होती है, और मानसून सीजन में जो खेती की जाती है उसको खरीफ की क्रॉप कहा जाता है। जो राइस है हमारा वो खरीफ की क्रॉप में आता है, आपने नहीं पढ़े होंगे।
फसलों के तीन प्रकार होते हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। रबी की फसल में गेहूं उगाया जाता है, खरीफ की फसल में चावल उगाया जाता है और जायद की फसल जिसको कहा जाता है उसमें ये वाटरमेलन और ये सब आते हैं। ठीक है, तो उस ये चीज जो सबसे पहला एक एग्रीकल्चर में जो प्राइमरी एग्रीकल्चर बताते हैं वहां पर ये बताया जाता है एग्रीकल्चर का, ये भी एक टाइप है। मतलब ये तीन सीजन होते हैं जिसमें भारत में खेती होती है। राइस इज शोन आफ्टर द रेन, जो चावल है उसको बारिश के बाद बोया जाता है, बिकॉज ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ स्टैंडिंग वाटर इन द फील्ड, और क्योंकि खेतों में बहुत बड़ी मात्रा में पानी भर जाता है। इट इज हार्वेस्टेड ड्यूरिंग ऑटम, और इसको पतझड़ के मौसम में काटा जाता है। राइस कल्टिवेशन इज अ लेबर इंटेंसिव, और जो राइस कल्टिवेशन है ये लेबर इंटेंसिव है, बिकॉज इट इज हार्ड टू यूज मशीन एंड फ्लॉडेड राइस पैडी फील्ड, और इसमें ज्यादातर उनकी मजदूरों की जरूरत पड़ती है, लेबर इंटेंसिव है, यानी कि एक्टिविटी दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वर्कर्स, इसमें ज्यादा वर्कर्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो मशीनों का यूज करना पानी भरे हुए खेतों में मुश्किल हो जाता है। ओके, फिर आता है वीट, इज अ स्टेपल क्रॉप इन कूलर कंट्रीज, जो ठंडे प्रदेश है वहां के लिए गेहूं जो मुख्य भोजन है। वीट ग्रोथ बेस्ट इन टेम्परेट रीजन बिकॉज इट नीड मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल, जहां पर ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा ठंडी होती है उन प्रदेशों में, उन देशों में गेहूं की अच्छी खेती होती है, यानी कि जहां पर मॉडरेट टेम्परेचर और रेनफॉल मॉडरेट रहता है। वीट ऑल्सो नीड लूमी एंड वेल ड्रेन्ड सॉइल, इसको लूमी और वेल ड्रेन्ड यानी कि जिसमें पानी रुके ना पर पानी की मात्रा रहे वैसी मिट्टी की जरूरत पड़ती है, या कह सकते हैं एलुवियल सॉइल इसके लिए बेस्ट होती है। इट इज ग्रोन इन कंट्रीज सच एज अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशिया एंड यूक्रेन, ये इन देशों में उगाया जाता है। इंडिया इट इज ग्रोन ड्यूरिंग द विंटर एंड इज अ रबी क्रॉप, इसको रबी क्रॉप में लिया जाता है और ये विंटर के सीजन में बोया जाता है। इस वक्त आप जाओगे खेतों में तो आपको धान की कटाई शुरू हो जाती है, धान तो बहुत दिन पहले कट जाते हैं, अब इधर जब बारिश हुई थी उसके बाद से लोग गेहूं बोना शुरू कर देते हैं। होली तक तो मजे के बड़े बड़े गेहूं हो जाते हैं, तो ये दिसंबर नवंबर के बाद से जब धान कट जाता है तो गेहूं की बुआई शुरू हो जाती है, अब तो बहुत मजे के बड़े बड़े हो जाते हैं, क्योंकि होली के बाद तो कटाई शुरू हो जाती है अप्रैल में जहां धूप ज्यादा तेज होती है उसके कटाई शुरू हो जाती है इसकी। तो वीट जो है आपका इसको नवंबर में बोया जाता है क्योंकि विंटर रेन्स आर लाइट, क्योंकि जो जाड़े की बारिश होती है वो हल्की बारिश होती है। इट इज हार्वेस्टेड इन स्प्रिंग, और इसको बसंत के मौसम में काटा जाता है। वीट कैन इजिली सोन एंड हार्वेस्टेड विद द हेल्प ऑफ मशीन, इसको मशीनों की सहायता से बोया भी जा सकता है और काटा भी जा सकता है। Therefore, wheat cultivation is not a labor intensive. इसीलिए wheat cultivation में ज्यादा लेबर की जरूरत नहीं पड़ती है। Millets में मोटे अनाज आते हैं, जो बाजरा ज्वार का कॉम्बिनेशन मिलेट्स में आता है, ऐसे जो मोटे अनाज होते हैं। मिलेट्स लिमिटेड रेनफॉल एरिया में और लेस फर्टाइल सॉइल में होते हैं, यानी इनके लिए ज्यादा बारिश की जरूरत नहीं होती और मिट्टी भी बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं होनी होती है। मतलब ये वैसी अनुपजाऊ मिट्टियां जिसको आपको कह सकते हैं जिसमें फर्टिलिटी कम होती है उनमें उग जाते हैं। मॉडरेट टू हाई टेम्परेचर, सामान्य तापमान से लेकर हाई टेम्परेचर का जो क्षेत्र होता है वो इसके लिए बेस्ट होता है। ज्वार, बाजरा और रागी आर द वैरायटीज ऑफ मिलेट्स कॉमनली ग्रोन इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, ये भारत के डिफरेंट पार्ट में उगते है। ज्वार, बाजरा और रागी, इन तीन चीजों को मिलाकर मिलेट्स बनता है। मिलेट्स एक अनाज होता है, मोटे अनाज की श्रेणी में इन तीन अनाजों को मिला दिया जाता है, उसको मिलेट्स कहते हैं। ठीक है, और ये मोस्टली इंडिया में उगते हैं। मेज, मक्का, इट ऑल्सो कॉल्ड कॉर्न, इसको कॉर्न भी कहा जाता है। मेज नीड मॉडरेट टेम्परेचर, जो मेज है उसको मॉडरेट टेम्परेचर की जरूरत होती है रेनफॉल और सनशाइन की टू ग्रो वेल। इट ऑल्सो नीड वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल, इसको मतलब लूमी सॉइल की जरूरत होती है। मेज ग्रोन इन USA, ब्राजील, चाइना, रशिया, मैक्सिको एंड पार्ट ऑफ इंडिया। ओके, ये यहाँ इन देशों में उगता है। अब आप क्या आते हैं कैश क्रॉप, कॉटन। पहला, कॉटन इज अ फाइबर क्रॉप एंड रिक्वायर हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, ब्राइट सनशाइन। इसके लिए आपको जो ये
क्लाइमेटिक कंडीशन बताई गई है, ये ध्यान रखनी होगी। पूछा जा सकता है कॉटन के लिए कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, तो इससे इनको अंडरलाइन करते चलिएगा। इसके लिए जो है हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है, हल्की बारिश की और बहुत चमकीली धूप की जरूरत होती है। देयर मस्ट बी नो रेनफॉल, और बारिश ना होना भी इसके लिए अच्छी है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, जब इसको काटा जाता है, बिकॉज रेन कैन डिस्ट्रॉय द कॉटन फाइबर। मोस्टली इसमें जब कटाई हो रही हो कॉटन की, तब बारिश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो गीली हो जाती है तो ये जो कॉटन का धागा होता है वो खराब हो जाता है। इट ग्रोज बेस्ट इन ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल, ये ब्लैक सॉइल काली मिट्टी और जो एलुवियल सॉइल है उसमें अच्छी उगती है, इसकी खेती अच्छी होती है। द लीडिंग प्रोडक्शन ऑफ प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आर चाइना, सबसे बेस्ट प्रोडक्शन में वर्ल्ड में चाइना है, यूएसए, इंडिया, ब्राजील, पाकिस्तान और इजिप्ट है। इसके बाद आता है जूट। जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है, अंडरलाइन कर लीजिए। जूट रिक्वायर हाई टेम्परेचर, इसके लिए हाई टेम्परेचर हैवी रेनफॉल की जरूरत होती है। ये बेस्ट होता है ट्रॉपिकल रीजन में, दैट हैव अ ह्यूमिड क्लाइमेट, जहाँ नमी युक्त मौसम होता है, ये सबसे बेस्ट वहाँ पर उगता है। एलुवियल सॉइल इसके लिए जरूरी होता है। इंडिया और बांग्लादेश लीडिंग प्रोड्यूसर है जूट के वर्ल्ड में, क्योंकि इसको आगे और सबसे अच्छा जूट बांग्लादेश में होता है, और इंडिया में बंगाल जहाँ पर आपका ये सुंदरबन डेल्टा है वो जो एरिया आते हैं वहाँ पर बेस्ट होता है जूट। कॉफी बेवरेज क्रॉप है, इसको वार्म और वेट क्लाइमेट की, गर्म और नमी युक्त क्लाइमेट की जरूरत होती है। इट ग्रो बेस्ट ऑन हिली स्लोप, ये पहाड़ी ढलान पर ज्यादा अच्छा होता है। एंड विद वेल ड्रेन्ड रेड सॉइल, वेल ड्रेन्ड का मतलब यहाँ पर है जिसमें नाली का सिस्टम होता है, जो ड्रेनेज माने नाली का सिस्टम होता है, वेल ड्रेन्ड रेड सॉइल, जिस मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में पानी का आवागमन रहे, ठीक है, वैसे इसको जरूरत होती है लाल मिट्टी की। लीडिंग प्रोड्यूसर कॉफी के ब्राजील, कोलंबिया और इंडिया है। चाय, चाय भी एक बेवरेज क्रॉप है, टी भी आपकी बेवरेज क्रॉप में आती है। इट रिक्वायर्स अ कूल क्लाइमेट, इसके लिए ठंडी जलवायु की जरूरत है, इक्वल रेनफॉल की जरूरत है, पूरे साल बराबर मात्रा में बारिश चाहिए होती है। ट्री ग्रोथ बेस्ट इन जेंटल हिल स्लोप्स विद ड्रेन्ड लूमी सॉइल, और इसके लिए जो जेंटल स्लोप होना चाहिए, जो पहाड़ी का जो ढाल होता है वो जेंटल होना चाहिए, बहुत तीखे ढाल पर इसकी खेती नहीं हो सकती है। द टेंडर लीफ रिक्वायर्ड सॉफ्ट हैंड फॉर पिकिंग, और इसको तोड़ने के लिए बहुत हल्के हाथों से इसकी पत्तियों को तोड़ना पड़ता है, विच मेक टी कल्टिवेशन लेबर इंटेंसिव, जिस वजह से जो चाय है आपका टी है वो लेबर इंटेंसिव है, क्योंकि इसमें इसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में लेबर्स की जरूरत पड़ती है। द बेस्ट क्वालिटी टी इन द वर्ल्ड इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, जो बेस्ट टी क्वालिटी है वो इंडिया में प्रोडक्शन होता है, श्रीलंका, केन्या और चाइना में होता है। इसके बाद है आपका शुगर केन, गन्ना। शुगर केन इज वेरी इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप ऑफ ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन में सबसे इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप है। इसके लिए इक्वल रेनफॉल पूरे साल चाहिए होता है, अबंडेंट सनशाइन चाहिए होती है। शुगर केन ग्रोज बेस्ट इन वेरी फर्टाइल लूमी सॉइल, लूमी सॉइल में ये सबसे बेस्ट होता है। इट टेक्स अप अ लॉट ऑफ न्यूट्रिशंस फ्रॉम द सॉइल, और ये मिट्टी से बहुत ज्यादा मात्रा में खनिज तत्वों को, जो पोषक तत्व है उनको अपने में अब्सॉर्ब कर लेता है। इट कैन लीव अ सॉइल बैरन, और ये मिट्टी को फिर बंजर करके छोड़ देता है। इफ द सॉइल इज नॉट फर्टिलाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम, अगर मिट्टी को समय से फर्टिलाइज ना किया जाए, यानी कि फर्टिलाइजर्स ना मिलाए जाए, तो यानी कि गन्ने की खेती के बाद उस मिट्टी को फिर से बायो फर्टिलाइजर या केमिकल फर्टिलाइजर से फर्टिलाइज करना पड़ता है, क्योंकि ये मिट्टी से सारा कुछ अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इज ब्राजील, फॉलोड बाय थाईलैंड, क्यूबा, यूएसए, चाइना, मेक्सिको और इंडिया है। अब आपसे यहाँ पर ऑन द गिवन मैप, आपको जो मैप दिया गया है पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट आर द ग्रोइंग कंडीशन ऑफ राइस, ठीक है, इस तरह क्वेश्चन ये बनेगा। यही मैं कह रही थी कि अंडरलाइन कंडीशंस पूछी जाएगी, ग्रोइंग कंडीशन क्या चाहिए, हैवी रेनफॉल, हाई ह्यूमिडिटी और
हाई टेम्परेचर चाहिए राइस के लिए, और ये कहाँ उगते हैं वर्ल्ड में, ठीक है। इसी तरह आपको जितने भी कंडीशन, मोस्टली सब में ग्रोइंग कंडीशन पूछी गई हैं, तो प्लीज आप इस क्वेश्चन के लिए अपनी बुक पर ग्रोइंग कंडीशन को जरूर अंडरलाइन कर लीजिएगा विद ये वर्ल्ड में कहाँ कहाँ होते हैं, यानी इनकी जो लीडिंग प्रोड्यूसर कंट्रीज है उनको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है ऑन द गिवन मैप, इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना इसे, मार्क एनी टू प्लेसेस ईच वेयर द फॉलोइंग क्रॉप्स आर ग्रोन, राइस, शुगर केन, कॉटन, जूट और कॉफी, इनके लिए आपको बताना है कि ये कहाँ कहाँ उगते हैं, और आपको इसके लिए लेटर भी बताया जा रहा है, ए के लिए राइस, बी शुगर, यानी जो उन्होंने अल्फाबेट वहां पर डाले उन्हीं को आपको यूज करना है। तो इसको आप करते चलेंगे साथ में, अगर तो अच्छा रहेगा तो आपको याद रहेगा। पहला आपका राइस है, चलिए एक सेकेंड, जहां जहां आप राइस प्रोडक्शन होता है वहां पर आप ए लिख दीजिएगा, मैंने इंडिया और श्रीलंका बताया है, ओके। बी है आपका शुगर केन, ब्राजील, ओके, और ब्राजील के बाद एक है क्यूबा है, क्यूबा को तो चीनी का कटोरा कहा जाता है, याद रखिएगा, बाउल ऑफ शुगर कहते हैं क्यूबा को। मैक्सिको है, चाइना बता देते हैं हम यहाँ पर, ये चाइना है आपका, बैठी हुई मुर्गी जैसा है चाइना, ये ऊपर देखो इंडिया के ऊपर एक बैठी हुई मुर्गी बनी है, वो ही है चाइना, याद रखना, ठीक है। अगला आपका क्या है, सी कॉटन, कॉटन भी इंडिया में है तो आप यहाँ पर सी लिख सकते हो, इसके अलावा पाकिस्तान है तो आप पाकिस्तान सी लिख दो, ठीक है। अगला है आपका क्या, जूट, जूट यहाँ बांग्लादेश में है तो आप यहाँ पर डी लिख दो, ओके। और एक क्या है बांग्लादेश के अलावा, इंडिया ही है तो यहाँ पर इसी इंडिया में डी लिख लेना, देखो मैंने लिखा है छोटा छोटा सा दिख रहा है ना सबको, यस मैम। कॉफी, कॉफी है आपकी ब्राजील और कोलंबिया में, तो ब्राजील में डी ई लिख लो, और कोलंबिया क्या है, कोलंबिया का लोकेशन मैम अफ्रीका में, वही कहाँ है, आपका क्या बताया, कोलंबिया ना, ये तो मजा आएगा मैम, ब्राजील के आगे, ब्राजील के आगे कॉन्टिनेंट बताओ, साउथ अमेरिका मैम, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में, हाँ तो कॉन्टिनेंट याद करने पड़ेंगे, सिर्फ देश का नाम ही नहीं याद करना पड़ेगा, ये यहाँ पर, ठीक है, ये इसलिए इसको बाहर करके मैं लिख दे रही हूँ, ओके। ब्राजील आपका, लो एक सेकेंड, ब्राजील थोड़ा सा जो है आप ये यहाँ पे ब्राजील की लोकेशन है, और उस ब्राजील के थोड़ा सा ऊपर ही कोलंबिया है, ओके। मैप को थोड़ा सा देख लेना एक बार अच्छे से, कॉन्टिनेंट्स तो पढ़ने ही पड़ेंगे, बिना कॉन्टिनेंट्स के अंदर कंट्रीज जाने फिर करना मुश्किल हो जाता है, ओके, ठीक है, ये मैंने कर दिया सब कुछ, चलिए फिर अभी नेक्स्ट क्लास दोबारा करते हैं।